ओम नमस्ते सभी को, ये लाइन पढ़ो। ब्रह्मचारी रामप्रसाद बिस्मिल जी के विषय में लिखा है कि उनके अंदर असाधारण शारीरिक बल था। तैरने आदि में वो पूरे पंडित थे। थकान किसे कहते वो जानते नहीं थे। कई मील निरंतर चलकर आगे चलने का साहस रखते थे। प्राणायाम वह कितना करते थे कि देखने वाले आश्चर्यचकित हो जाते थे। और भाई रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, वो बहुत शक्तिशाली क्रांतिकारी थे। उनके अंदर इतना बल था कि अंग्रेज जब उनको लेने आते थे या फिर धमकी देते थे तो वो सिर्फ जोर से आवाज़ भी लगा देते थे ना, तो 10-12 अंग्रेजों की तो टांगे कांप जाती थी वहीं खड़े खड़े। और भाई जैसे कि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो रामप्रसाद बिस्मिल जी अगर किसी को धमका भी देते थे ना तो रूह कांप जाती थी वहाँ पर लोगों की, इतना बल था उनके अंदर। अब इस लाइन में हमको सीखने को क्या मिला, वो है प्राणायाम। मतलब हमारे क्रांतिकारी भी प्राणायाम करते थे, और सिर्फ रामप्रसाद बिस्मिल जी ही नहीं बल्कि भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी, इन सब में ये चीज़ कॉमन थी, समान थी कि सब प्राणायाम और ध्यान सुबह उठते ही करते थे और अपने अंदर शारीरिक और मानसिक बल का निर्माण करते थे। दिल जिगर को पत्थर जैसा बना लेते थे। इसलिए भाई मैं बार बार बोलता हूँ अपनी वीडियो में, हर वीडियो के लास्ट में भी बोलता हूँ ये बात कि व्यायाम हमेशा प्राणायाम के साथ करो, कुंभक के साथ करो, सांसों की क्रिया के साथ करो, धीरे धीरे करो, सांसों पर ध्यान देकर, एकाग्रता देकर, तब जाकर शरीर में बल आएगा। और यही नियम है हमारे भारत के व्यायाम का। अब यहाँ पर भी लिखा है देखो, आसन दंड बैठक कोई भी व्यायाम बेशक जिमी क्यों ना हो सदैव प्राणायाम के साथ करो, यही हमारी प्राचीन शैली है। मतलब कि भारत की व्यायाम की शैली यही है। पहले हमारे देश के पहलवान योद्धा इसी विज्ञान से वर्कआउट करते थे। तो भाई आप भी समझो और आगे भी समझाओ सभी को, अपने भाइयों को, अपनी संस्कृति के हिसाब से चलने में ही लाभ मिलेगा। शरीर में अद्भुत शक्ति बनाने के लिए, शरीर को तगड़ा बनाने के लिए जो अगला नियम इस पुस्तक में लिखा है वो इस प्रकार है, व्यायाम के समय सबसे अच्छा वस्त्र जो है, वस्त्र पोशाक है और लंगोट है। अब बहुत सारे लड़के लोअर पहनकर वर्कआउट करते हैं, ऊपर टी शर्ट पहन लेते हैं, नीचे लोअर पहन लेते हैं। भाई वर्कआउट का मतलब ये है कि अपनी पूरी बॉडी को खोलना, पूरी बॉडी की नस नस खोलना बढ़िया। अब लोअर और टी शर्ट पहनकर क्या आप अपनी बॉडी को खोल पाओगे? नहीं, आप कंफर्टेबल वर्कआउट कर ही नहीं पाओगे। और भाई सबसे बड़ी हस्तियां जो कि जींस पहनकर वर्कआउट करती हैं, इनके बारे में तो बोलना समय खराब करने वाली बात है। लंगोट पहनकर तेल लगाकर बॉडी पे और खुले अखाड़े में कूदकर वर्कआउट करना, पूरे शरीर को अच्छे से तोड़ना, ये होता है असली वर्कआउट करना, ठीक है ना। इस तरह से शरीर तैयार होता है और यही हमारे भारत देश के व्यायाम का नियम है। अगर ये नहीं कर सकते तो आप सबसे विनती है, कपड़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है मेरे भाई, हमारे व्यायाम पर कपड़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इसलिए हमेशा खुले कपड़े डालकर व्यायाम करें, निक्कर डाल लो नीचे, ठीक है, निक्कर होती है जो, और एक बनियान, अगर जिम करते हो तो बनियान डाल लो, और अगर घर पर वर्कआउट करते हो तो भाई बनियान डालने की भी जरूरत नहीं है, एक निक्कर बहुत है, हो सके तो लंगोट सही है, ठीक है। और फिर अपना वर्कआउट करो इसी तरह खुले कपड़े पहनकर। अब ये अगला नियम, ये लाइन ध्यान से समझो, आसन दंड बैठक कोई भी व्यायाम जब आप करें तो प्राणायाम के साथ करें, यही हमारी प्राचीन शैली है और इसको बाहर के देश भी अपनाने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि भाई हमारे देश में कोई भी दंड आसन जब पहले लगाए जाते थे तो प्राणायाम के साथ लगाए जाते थे, लेकिन ये चीज़ अब सिखाई नहीं जाती। इसके पीछे का विज्ञान भी समझ लो क्या है। देखो, जब हम प्राणायाम के साथ वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी में अधिक से अधिक ऑक्सीजन जाती है, मसल्स में ऑक्सीजन जाती है, अंग अंग में ऑक्सीजन जाती है, क्योंकि आपने सांस भर रखा है। तो जब ऑक्सीजन जितनी अधिक हमारी बॉडी में जाएगी उतना ज़्यादा हमारे शरीर का बल बढ़ेगा, ब्रेन पावर बढ़ेगी, और फिर धीरे धीरे जब आप हर रोज़ ऐसे ही वर्कआउट करोगे सांस भरकर, मतलब प्राणायाम के साथ, तो आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाएगी अधिक ऑक्सीजन इकट्ठा करने की, जिससे आप पहले से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर लेकर वर्कआउट किया करोगे। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जानी शुरू होगी उतना ज़्यादा आपका बल बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे, और यही नियम होता है वर्कआउट का, और ये सबसे मेन नियम होता है वर्कआउट का। इस नियम के बिना वर्कआउट वेस्ट है। अब ये नियम पढ़ो, ये नियम बहुत ज़रूरी है क्योंकि 90% लोग यही गलती करते हैं जो इसमें बता रखा है। ये देखो पढ़ो, आजकल अखाड़ों में जो व्यायाम की पद्धति प्रचलित है उसमें बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है। दंड बैठक करते समय लोग इतनी शीघ्रता से करते हैं कि मशीन भी फैला उनके आगे, जिससे उनकी सांसों की गति भी बढ़ने लगती है, और फिर ग्रीष्मकाल में उष्णता के कारण कुत्ते के समान हाँपने लगते हैं। कोई कोई खंभे, रस्सी, वृक्ष आदि को पकड़कर बैठक लगाते हैं और कमर को सीधा नहीं करते। इस प्रकार शीघ्रता से और अनियमित रूप से दंड बैठक लगाने से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए भाई धीरे धीरे व्यायाम करें प्राणायाम के साथ, सांसों के साथ, और फिर देखना कितना फर्क पड़ेगा।
अब अगली ये लाइन पढ़ो। प्रोफेसर राममूर्ति जी लिखते हैं कि व्यायाम करते समय मन को स्थिर रखना चाहिए और शरीर के प्रत्येक भाग पर उस व्यायाम के लाभ का चिंतन करना चाहिए, जिसको आज की भाषा में बोलते हैं माइंड मसल कनेक्शन। मतलब कि वर्कआउट करते टाइम आपका दिमाग सिर्फ मसल्स पर होना चाहिए, जो पेन हो रहा है मसल्स में, जिस मसल्स पर प्रेशर आया है, उस चीज़ को महसूस करना है बस। तो भाई इस पुस्तक के नियम मैंने जब पढ़े ना, समझे, और कोशिश भी कर रहा हूँ अपनाने की जितना हो सकता है, और भाई सच में 2 ही दिनों में फ़ायदे दिखने शुरू हो रहे हैं मुझे। इसलिए सोचा आप सबको भी भारत की इस व्यायाम पद्धति के बारे में जानकारी दूँ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, और भी बहुत सारी नॉलेज भर भर कर पड़ी है इस पुस्तक में, धीरे धीरे दूंगा और जल्दी ही कम्युनिटी पर भी डाल दूंगा ये पुस्तक कौन सी है, ठीक है। तो अगली वीडियो किस पे चाहिए कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, ओम नमस्ते, राम राम जी।